हेलो दोस्तों, तो भाई क्या हाल चाल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बोर्ड लेकर आए हैं, ऐसा बोर्ड आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा और ना ही कहीं पे इसका PDF मिलेगा। PDF साथ में हम देंगे दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो है PDF मिल जाएगा, आपको बना सकते हैं आप भी खुद। और ये बोर्ड जो है पूरी बैटरी की जान निकाल देता है भाई, इतना आउटपुट है इसका। तो 12 वोल्ट से ये 63063 का ये बोर्ड है और इसमें टोटल 12 मॉस्फेट लग सकते हैं दोस्तों। और फिलहाल जो वीडियो में देख रहे हैं, एक बार हमने टेस्ट किया था 8 मॉस्फेट के साथ, लेकिन आगे चल के हम 12 मॉस्फेट के साथ भी आपको एम्पलीफायर पे टेस्ट करके दिखाएंगे। तो इसमें 4 सिटी डायोड्स हैं, मेरे पास 3 थे तो एक मैंने डायोड के जो 2 डायोड्स से मिलाकर एक बना लिया। और इसकी ये आउटपुट 12012 और 05 भी इसमें से ही निकलती है। तो BT बोर्ड के लिए या फिर किसी के लिए भी आप जो है इसमें से ले सकते हैं। तो इस जगह आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल मैंने 8 मॉस्फेट लगाए हैं, लेकिन मैं आगे चल के 12 मॉस्फेट जो है इसमें लगाऊंगा। तो इस तरफ ध्यान मत देना दोस्तों, जो टेस्टिंग में होगा वो 12 मॉस्फेट के साथ ही होगा। तो ये बोर्ड जो है भाई इतना अच्छा परफॉर्म करता है कि क्या ही बताऊँ। तो आप वीडियो में या फिर बनाकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, बनाकर देखना इसे। और आप सभी DC to DC कन्वर्टर बोर्ड भूल जाओगे इसके बाद। तो दोस्तों, इसमें जो कैपेसिटर लगे हुए हैं वो हमने 15000 UF के 2 लगाए हैं। तो आउटपुट सेक्शन में ये 2 ही काफ़ी हैं दोस्तों। तो अब जो है इसे 8 मॉस्फेट के साथ एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं बल्ब पे। तो बल्ब पे ये क्या एम्पीयर लेता है, 200 वाट का बल्ब है। तो वोल्टेज फ़िलहाल हाफ है, तो उस हिसाब से ये इसे 3 से 4 या फिर 5 एम्पीयर लेना चाहिए। तो हम देखते हैं 5 एम्पीयर तक ये लोड लेगा आसानी से बल्ब। तो एक बार स्टार्ट होने के लिए 10 एम्पीयर तक जाता है दोस्तों, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए 10 से 11 एम्पीयर तक चला जाता है, लेकिन उसके बाद ये स्टेबल हो जाता है 5.5 एम्पीयर पे। तो ये बल्ब पे चल रहा है। तो इसे जो है हम करते हैं अपग्रेड थोड़ा और इसमें 12 मॉस्फेट करते हैं और उसके बाद इसे एम्पलीफायर पे टेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों माफ़ करना, थोड़ी वीडियो डार्क है, लेकिन इसमें हमने 12 मॉस्फेट लगा दी हैं दोस्तों। इसमें जो मॉस्फेट यूज़ किए गए हैं वो P55N06 यूज़ किए गए हैं। और ये सिटी डायोड मेरे पास एक नहीं था, तो मैंने उसकी जगह डायोड ही रखा है। तो ये काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि ये टेस्टिंग यूनिट ही है। तो आप प्रॉपर जो है इसे सिटी डायोड्स के साथ ही बनाना। और ये ड्राइवर सेक्शन है इसका जो सामने दिया गया है दोस्तों। और ये ड्यूल IC भी आप बनाकर लगा सकते हैं, चाहे तो आप मेरे से मांग लेना, मैं आपको ड्यूल IC के साथ ड्यूल क्वाड आउटपुट के साथ जो है ये ड्राइवर बोर्ड आपको दे दूंगा। तो इसमें वही 15000 UF के 2 जो है कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो बाकी बोर्ड सारा सेम है जो एज इट इज़ आपने देखा था। तो दोस्तों चलते हैं टेस्टिंग की ओर और देखते हैं इसका आउटपुट। तो दोस्तों ये हमारे पास जो स्पीकर था उसके साथ ही हमने माइक लगा लिया है, तो जिससे कि इसकी ऑडियो जो है, ऑडियो का पर्पस ये है दोस्तों कि इसके साथ हमने एक BT बोर्ड लगाया है। तो ये डायरेक्ट मोबाइल के साथ ऑक्स के साथ हमने कनेक्ट किया है, क्योंकि मेरे पास दूसरा कार्ड जो इसमें लगा दिख रहा है वो चल नहीं रहा था। तो ये जो देख रहे हैं आप NRS, ये हमने ऑनलाइन अकेला बोर्ड बनाया था, ये बनाकर हमने इसकी टेस्टिंग भी साथ में हो जाएगी। तो इसी वजह से आपको माइक उसके पास लगा कर दिखाया। ये जो है हमारा कन्वर्टर बोर्ड और 800 वाट का जो है एम्पलीफायर बोर्ड है, और इन्वर्टर के बैटरी के साथ हमने इसे कनेक्ट किया है। तो दोस्तों ये जो बोर्ड है ये 800 वाट एम्पलीफायर के लिए बेस्ट है, 8000 या फिर 1000 वाट के लिए। 1200-1300 वाट भी निकाल दे आरामदारी से, लेकिन 800 वाट मैंने पीक पे चलाकर देखा है, हल्का गर्म ज़रूर होता है लेकिन उड़ने का कोई दिक्कत नहीं, फुल ऑन परफॉर्मेंस निकालता है दोस्तों।
तो जो ये रेड वाला बोर्ड पीटी बोर्ड देख रहे हैं आप, बस ट्रेबल बोर्ड, ये हमने ऑनलाइन इसका बोर्ड मंगाया था, उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी बस ट्रेबल बोर्ड पे ही होने वाली है दोस्तों, तो उस वीडियो में आपको इस NSR बोर्ड का जो है, ये 4 IC के साथ है, इसका पीडीएफ प्लस जो है इसकी टेस्टिंग तो थोड़ी सी आज ही देख लेना आप, और नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रॉपर टेस्टिंग और जो है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं दोस्तों, आपको पीडीएफ हर एक बोर्ड का मिलता रहेगा साथ ही वीडियो पे, और बहुत अच्छे अच्छे बोर्ड जो है ला रहे हैं। तो दोस्तों चलो फटाफट से इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये बोर्ड, और ऐसे ही बोर्ड और पीडीएफ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ नया लाएंगे, कुछ अच्छा लाएंगे दोस्तों, बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।